अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको मीठी टिक्कियां बनाना सिखाऊंगी। इसमें जो जो अशिया इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बताऊं। इन चीज़ों का इसमें इस्तेमाल होगा। ये 2 कप मैंने मैदा लिया है, कप ये यूज़ किया है मैंने, कप 2 कप मैंने मैदा लिया है, 1.5 कप मैंने सूजी ली है, 2 कप मैंने चीनी ली है जिसे मैंने पीस लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने सब्ज इलायची का पाउडर लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, इसको घी से तलना भी है और इसमें डालना भी घी है, 2 टीस्पून मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं और एक ग्लास मैंने दूध लिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 2 कप मैदा शामिल कर लेंगे इस बाउल में, 1.5 कप सूजी और ये चीनी, 2 कप सब्ज इलायची पाउडर, सफ़ेद तिल 2 टेबल स्पून लिए थे मैंने और ये घी 3 टेबल स्पून घी लिया है मैंने। हम इसे मिक्स करेंगे सबको, घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब मैंने मिक्स कर लिया, अब हम दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाह, आधा घंटा मैंने इसे खूब इस तरह मसल मसल कर इसे गूंदा है। आप भी इस तरह गूंदिएगा। और अब इसके 4 पेड़े बना लूंगी मैं। ये देखें, इस तरह अच्छे से गूंदना है इसको। अब मैं इसके इस तरह पेड़े बना लूंगी और फिर इसको कटिंग बोर्ड पर बेल कर और कटर से, इसके गिलास से काट लें आपके पास कटर नहीं है तो, और इस तरह हम इसे बेल कर, अभी मैं दिखाती हूँ आपको बेल के, ज़रा पेड़े कर लूँ फिर आपको बताती हूँ कि इसे हमें। ये एक पेड़ा ले लिया, इसे ऐसे कटिंग बोर्ड पर रखें, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने इसे ऑयल में गूंदा घी में। अब इसे हम बेलेंगे, इसे बेल लें आप और इसे मोटा बेलना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना और इतना भी नहीं बेलना ज़्यादा। इस तरह का कटर है आपके पास तो ये यूज़ कर लें, नहीं तो ग्लास ले लें, ग्लास से भी बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है। ऐसे लें और इस तरह से हम सब कटिंग कर रहे हैं। इस तरह से ऐसे निकाल निकाल के रखते जाएंगे और फिर इसे जाके फ्राई कर लेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रखा हुआ और धीमी आंच में हमें इसे तलना है, तेज आंच में नहीं तलना, धीमी आंच में तलेंगे हम। ये हमने कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है। बिस्मिल्लाह, अब देखते हैं, घी से तलेंगे हम इसे, तेल से नहीं तलना वरना इसमें थोड़े से दिन बाद ही स्मेल आना शुरू हो जाती है तेल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल हमारा हो गया है। बिस्मिल्लाह, तो हम इसमें जितनी आएंगी उतनी ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी। इस तरह आप टर्न कर देंगे,
ऊपर की नीचे के ऊपर और ऊपर की नीचे कर देंगे हम सब। अब इस साइड से पकाएंगे और आँच हमने बिल्कुल धीमी रखी हुई है। डर मान रहे हैं, अब हम निकाल लेंगे इस तरह से हम सब निकाल लेंगे। हम इसे टर्न कर लेंगे और इसी तरह हम अपनी सब मीठी टिक्कियों को बना लेंगे। आँच हमने धीमी ही रखनी है। सब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी जबरदस्त कलर आ रहा है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीठी टिक्कियां तैयार हैं। ये मैंने क्रिस्पी बनाई। अगर आप क्रिस्पी नहीं पसंद करते, नरम करते हैं, तो सूजी कम कर लीजिएगा। आप भी जरूर ट्राई करें घर में, ये बहुत ही मजे की बनती हैं। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। एक मैंने क्रिस्पी बनाई है, ये देखें बहुत ही जबरदस्त बनी है। मैंने खुद क्रिस्पी बनाई है। आप सूजी कम कर लीजिएगा, मैदा ज्यादा, तो ये इस तरह की इतनी क्रिस्पी नहीं बनेंगी, नरम बनेंगी। तो आप ये जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों से। अल्लाह हाफिज़।